नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइस आज है सुपर संडे, यानी कि होने वाले दो मुकाबले। तो गाइस पहला मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर को 3:30 बजे। वही दूसरा मैच होने वाला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पुणे के स्टेडियम में शाम 7:30 बजे। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट मैच पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की। तो पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो वो पिछला मैच मुंबई इंडियंस को हरा कर आई है। वही सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वो अपना पिछला मुकाबला केकेआर को हरा कर आई है। चलिए बात कर लेते हैं कि पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। नंबर 1 मयंक अग्रवाल, नंबर 2 शिखर धवन, नंबर 3 जॉनी बेस्टो, नंबर 4 लियम लिविंगस्टन, नंबर 5 जितेश शर्मा, नंबर 6 शाहरुख खान, नंबर 7 ओडेन स्मिथ, नंबर 8 कगिसो रबारा, नंबर 9 राहुल चहर, नंबर 10 वैभव अरोरा, नंबर 11 अश्रदीप सिंह। तो गाइस ये हो सकती है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 केन विलियमसन, नंबर 3 राहुल पार्टी, नंबर 4 निकलोस पुरन, नंबर 5 एडन मार्कम, नंबर 6 शशांक सिंह, नंबर 7 मार्को यानसन, नंबर 8 जगदीशन सुचित, नंबर 9 भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 टी नटराजन, नंबर 11 उमरान मलिक। तो गाइस ये हो सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन मार सकता है और सबसे ज्यादा विकेट कौन ले सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन शिखर धवन मारेंगे और सबसे ज्यादा विकेट टी नटराजन लेंगे। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं कि इस मैच को कौन जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है इस मैच को सनराइजर्स हैदराबाद जीत जाएगी। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। नंबर 1 शिखर धवन, नंबर 2 जॉनी बेस्टो, नंबर 3 राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 मयंक अग्रवाल, नंबर 5 एडन मार्करम, नंबर 6 लियम लिविंगस्टोन, नंबर 7 ओडेन स्मिथ, नंबर 8 अभिषेक शर्मा, नंबर 9 टी नटराजन, नंबर 10 कगिसो रबाडा, नंबर 11 उमरान मलिक। इसमें मैंने कैप्टन रखा है शिखर धवन को और वाइस कैप्टन रखा है राहुल त्रिपाठी को। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं मैच नंबर 2 चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की। तो चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो वो भी अपना पिछला मैच जीत कर आई है। वही गुजरात टाइटंस की बात करें तो वो भी अपना पिछला मैच जो है वो जीत कर आई है। चलिए गाइस अब देखते हैं कि गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। नंबर 1 मैथ्यू वेड, नंबर 2 शुभमन गिल, नंबर 3 विजय शंकर, नंबर 4 हार्दिक पांड्या, नंबर 5 डेविड मिलर, नंबर 6 अभिनव मनोहर, नंबर 7 राहुल तेवटिया, नंबर 8 राशिद खान, नंबर 9 यश दयाल, नंबर 10 मोहम्मद शमी, नंबर 11 लोकी फर्ग्यूसन। तो गाइस ये हो सकते हैं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। नंबर 1 रॉबिन उत्तप्पा, नंबर 2 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 मोइन अली, नंबर 4 शिवम दुबे, नंबर 5 अंबाटी रायडू, नंबर 6 MS धोनी, नंबर 7 रविंद्र जडेजा, नंबर 8 ड्वेन ब्रावो, नंबर 9 क्रिस जॉर्डन, नंबर 10 महेश तीक्षणा, नंबर 11 मुकेश चौधरी। तो गाइस ये हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में सबसे ज्यादा रन रॉबिन उत्तप्पा मारेंगे और सबसे ज्यादा विकेट लोकी फर्ग्यूसन लेंगे। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की इस मैच को कौन जीत सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात टाइटंस चेन्नई सुपर किंग्स को हरा देगी। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं ये मैच के ड्रीम 11 टीम की। नंबर 1 रॉबिन उत्तप्पा, नंबर 2 मैथ्यू वेड, नंबर 3 शुभमन गिल, नंबर 4 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 5 हार्दिक पांड्या, नंबर 6 रविंद्र जडेजा, नंबर 7 मोहिन अली, नंबर 8 विजय शंकर, नंबर 9 लोकी फर्ग्यूसन, नंबर 10 ड्वेन ब्रावो, नंबर 11 राशिद खान। इसमें मैंने कैप्टन रखा है रॉबिन उत्तप्पा को और वाइस कैप्टन रखा है शुभमन गिल को। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।